I'm back with my results. He has come up with no preparations at all. How was your IELTS? With me and we were in the same cabin. Hey guys, hello and welcome back to my channel. This is Mani Gangwani, your boss girl. And आज मैं अपना IELTS का exam देने जा रही हूँ और मुझे लगा ये बहुत important है record करना क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा YouTube से guidance ली है. तो मुझे लगा ऐसा कोई नहीं था जो अपनी journey के through लेके जा रहा था क्योंकि कोई भी अपने exam पे focus करना चाहता है. मैं भी same ही करना चाहती हूँ और मैं नहीं मुझे नहीं लगता है कि मैं उतना बात करूँगी अपने एक्सपीरियंस के टाइम, बट मैं आपको फीडबैक देती जाऊँगी, मैं इंटरेक्ट करूँगी कुछ स्टूडेंट्स के साथ. बाय द वे, अगर आप ये वीडियो देख रहे होगे तो आपको पता होगा IELTS किस चीज़ का एग्ज़ाम होता है. जब आपको बाहर जाना होता है कोई भी कंट्री में एक यूनिवर्सिटी को, ये बेसिक एग्ज़ाम होता है जो प्रेफर करते हैं इसका रिजल्ट. इसके बिना आप अपना प्रोसेस नहीं स्टार्ट कर सकते. इट्स IELTS विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. तो मैं आपको इसके पूरे प्रोसेस के थ्रू लेके जाऊंगी. अभी मेरी ट्रेन है, ये 2 दिन का एग्ज़ाम होता है. सो मेरा आज फर्स्ट डे है स्पीकिंग. इसमें 4 मॉड्यूल होते हैं, आपको पता ही होगा, बट अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है, कोई अपना माइंड बना रहा है इस चीज़ के लिए जाने के लिए, तो टेंशन मत लीजिए. मैं आपको ले जा रही हूँ अपनी जर्नी के थ्रू. देखेंगे कैसे इमोशंस होते हैं बीच बीच में, कैसा एक्सपीरियंस है, सेंटर का एक्सपीरियंस कैसे है. और चलिए बस शुरू करते हैं ये ब्लॉग और ले जाती हूँ मैं आपको अपनी जर्नी के थ्रू. और कल मेरे 3 दूसरे मॉड्यूल्स होंगे, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी. चलिए लेट्स कैच द ट्रेन नाउ. अब आपको क्या कहना है? बेस्ट ऑफ लक. कर हर मैदान फतेह. यस, ऐसे ही मूड में जाना है मैंने. मैं 2 दिन पहले मेरी इतनी मतलब फटी पड़ी थी, मैं बता रही हूँ. आज मैंने खुद को ऐसे समझाया नहीं, चिल, जो होगा देखा जाएगा. क्योंकि ये एग्जाम आपकी इंग्लिश लेवल चेक कर रही है. आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहना है, ना कि आपको डिस्टर्ब्ड रहना है. ठीक है, सो चलिए पकड़ते हैं ट्रेन. सो गाइज, माई सेंटर इज इन थाने. दिस इज द एड्रेस. एंड मैं आपको आउटसाइड व्यू दूंगी ऑफिस का. ऑफिशियल व्यू नहीं अलाउड है, अंदर कैमराज नहीं अलाउड है. और एग्जाम से बाहर आने के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी. ऑल दो मैं शेयर करना चाहती हूँ दैट मैंने अच्छे से रेस्ट कर लिया है, मैं अपने रिलेटिव्स के घर पे आई हूँ. एंड नाउ दैट आपको ज़्यादा भी प्रैक्टिस नहीं करनी है, अकॉर्डिंग टू जितने भी लोगों से मैंने बात की जिनने एग्जाम्स दिए, आपको ज़्यादा भी अपना माइंड कंफ्यूज नहीं करना है, एक साथ सब कुछ अपने माइंड में नहीं डालना है. मेरी बुक है, बहुत ही किडिश जैसे मैंने ऐसे किया था कि मुझे इतने बैंड्स लाने, देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं. तो मैं अपने स्पीकिंग सेक्शन मैंने अलग से बना के रखा था, जिसमें मैंने स्पीकिंग फ्रेजेस और स्पीकिंग वोकैबुलरी लिखी हुई थी. तो मैं बस इसके थ्रू गो थ्रू करूँगी और नेचुरली मैं इसको बोलने की कोशिश करूँगी जो भी मुझे टॉपिक मिलेगा उस पर. एंड इस पर एक बार जाने से पहले आप इस वेबसाइट पर प्रैक्टिस कर लेना, IELTSOnlineTest.com. सो मैं यहाँ पे जाऊँगी, टेक टेस्ट करूँगी, फ्री में वो देंगे एंड ये टॉपिक रहेगा. सो ये एक बार टेस्ट की मैं प्रैक्टिस करके आई विल बी ऑल सेट टू गो. सो आइए मैं आपको ले चलती हूँ वो सेंटर की तरफ. लेट्स गो. Let's go and find the IDP office in this complex. So also this is what I'm wearing. Nothing like a formal thing. You should just be comfortable and presentable. So this is what I'm wearing and they told me first floor pe hai IDP ka. So let's go. So guys, I found the office. I'm giving my computer delivered test. This is the Thane Center, IELTS Center. And you can see, I don't think the cameras will be allowed after this. So I'll give you review about my speaking test after this. Although I'm on time. Just got done with my test, and I must say, it was like bang, bang, bang questions. I'll tell you about it once I get out from here. Guys, I'm done with my exam and my Ola rickshaw is here. So I'll just go and tell you about my whole experience. अंदर जाते ही क्या हुआ and all.
यहाँ पे आवाज भी बहुत है, घर पे जाके बताती हूँ क्या हुआ मेरे साथ। Hi guys, I'm back at home and I'm sipping some चाय, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था आफ्टर दैट एग्ज़ाम। बिकॉज़ यूट्यूब पे हम लोग ऐसे वीडियोस देखते हैं ना कि आपकी स्पीकिंग हो रही है, एकदम IDP के प्रोफेशनल्स एकदम बाहर के आए हुए हैं, फॉरेनर्स, एंड दे आर रियली यू नो पीसफुल एंड काम एंड दे डोंट रिएक्ट मच, दे जस्ट नोट डाउन। बट ऐसा नहीं था, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। सो मैंने जब आपको ऑफिस दिखाया उसके बाद मैं अंदर गई, एंड अंदर जाने के बाद उनका वॉचमैन ही इतना अच्छी इंग्लिश बोल रहा था, ही आस्क्ड मी फॉर माई पासपोर्ट एंड आइडेंटिफिकेशन। उनको मेरा नाम ऑलरेडी पता था, मुझे लगा कि मैं स्टूडेंट्स होंगे, बट एक्चुअली मेरा अपॉइंटमेंट टाइम था तो 5 बजे और कोई नहीं आया था मेरे अलावा। मैंने सोचा था मैं आपको और दूसरों के भी एक्सपीरियंसेस बताऊंगी उनको कैसा लगा स्पीकिंग का एक्सपीरियंस, बट ऑनेस्टली कोई नहीं आया था क्योंकि वो सिर्फ मेरी टाइमिंग थी। तो उनने मुझे चाबी दी, बोला कि अपना सामान रख दो उसमें और कुछ भी नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास अदर देन योर पासपोर्ट, दैट्स इट, एंड मास्क। मास्क वॉज कंपल्सरी, आप प्रैक्टिस करके आना, आप देख लेना आपके ईमेल पे क्या बोलते हैं वो लोग। एंड देन जस्ट उसके सामने एक लेडी ने मेरी आइडेंटिफिकेशन फ़ोटो ली एंड उनने मेरा बार बार थंब प्रेस करवा के लिया, एंड देन मुझे वेटिंग रूम में बिठाया, एंड देन 5 मिनट बाद ही मैं मेरा स्पीकिंग के लिए मुझे अंदर बुलाया। एंड दैट मैम वॉज जस्ट लाइक एनी अदर इंडियन ऑफिस वाली एम्प्लॉय, शी वॉज वेरी बेसिक, बट आई डिन लाइक हर एटीट्यूड। वो मुझे बार बार ट्रिगर कर रहे थे, उनने मुझे मेरे पासपोर्ट मतलब सेशन स्टार्ट किया, उनने पूरा अपना डिटेल्स अगर बताई, फिर वो अपना सब उनने बताया, एंड देन उसके बाद शी आस्क मी माई नेम, एज इन शी डिन आस्क मी फॉर माई पासपोर्ट। तो मैंने मुझे लगा दैट्स अ गुड क्वेश्चन, सो आई थॉट शी बिगेन, वो स्टार्ट हो चुकी है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया बोलना। शी वॉज लाइक वेट वेट वेट, आई एम आस्किंग फॉर योर पासपोर्ट। सो वॉज लाइक आस्क फॉर माई पासपोर्ट मैम, वॉट इज दिस। तो पहले ही वैसा था, देन शी आस्क मी अबाउट वेयर आई केम फ्रॉम, लाइक वॉट इज माई सिटी, देन आई गेव आंसर्स, एंड शी आस्क मी क्वेश्चन ऑन वॉट डू आई डू, एम आई अ स्टूडेंट और वॉट। सो आई टोल्ड हर दैट आई जस्ट गेव माई एग्जाम्स एंड आई एम अ फ्री लांसर मेकअप आर्टिस्ट एंड वॉट एवर आई डू। देन शी वॉज लाइक वॉट, बट वॉट डू यू डू, अब उसने कभी तो बताया मैंने तुझे क्या करती हूँ। सो आई डेंट लाइक हर एटीट्यूड दैट शी वॉज, यू नो, मे बी शी वॉज टेस्टिंग माई थिंग दैट इफ आई एम स्टेबली स्टिल गोइंग टू आंसर। मैंने अपने हिसाब से आंसर देती गई एंड शी वॉज जस्ट ट्रिगरिंग मी। एंड मुझे क्वेश्चन आया था अबाउट, 2 मिनट मुझे इससे बोलना था कि मेरा मैंने रिसेंटली क्या ओपिनियन दिया है, किसे दिया है और किसने मुझसे पूछा है वो ओपिनियन, उस पर मुझे 2 मिनट बोलना था। वॉज लाइक यार ये बहुत घटिया टॉपिक है, बट आई मैनेज्ड अ गुड स्टोरी बिकॉज ऐसा मेरे साथ हुआ था। सो आई गेव अ गुड 2 मिनट्स, तब शी वॉज फाइन, क्योंकि मैं अपने इस पर पूरा पैराफ्रेजिंग एंड सब पे फोकस कर रही थी, अच्छे वर्ड्स यूज कर रही थी। तो बट उसके बाद जब उसने मुझे पूछा, मैं कुछ भी आंसर दे रही थी, शी वॉज जस्ट नॉट सेटिस्फाइड। सो आई मस्ट से कि आप प्रिपेयर्ड रहो कि सामने वाली आपको प्रोवोक करेगी, बार बार पूछेगी, बट यू हैव टू बी स्टेबल, एंड एंड ऑफ द वीडियो में आपको रिजल्ट तो पता चल जाएगा। सो बने रहिए, अब हम पढ़ाई करेंगे क्योंकि कल है मेरा 3 मॉड्यूल एंड विच इज़ LRW, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सो चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ कल के दिन के एक्सपीरियंस की ओर। सो टमोरो एट 1 PM इज़ माई LRW एंड इट्स 8 नाउ। आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस एट द सेम वेबसाइट, सो आई डू माई लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जो मुझे करना है मैं एक ही बार करूँगी, दैट्स इट, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, एक ही बार करूँगी फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और फिर कल आपको बताती हूँ कैसे प्रोसेस जाता है मेरा एग्ज़ाम का। I just came to washroom for a self reminder that it's just an exam because I'm panicked, क्योंकि last night मेरा इतनी अच्छी से practice नहीं हो पाई because I was at relative place, I was getting less marks in reading and my reporting time was 12:15, my exam will start at 1 and it's 12:30, so I have to rush. It's just an exam only, you can do it, I can do it, so all the best to me. So guys, I'm done with my exam and I have, what's your name? Nita with me and we were in the same cabin. मैं अपना तो बाद में बताऊंगी, I'll ask her experience कैसा था, how was your IELTS exam? So
So it went well. I did not really prepare for it. I registered 2 months ago, but I did not study. It is quite easy actually. You don't really have to stress it out. As long as you know how to speak well and you know have a good command over your language, you're fine. Nothing so to worry. So considerably, how many days you actually studied or you just went in all like, ho jayega? Yeah, that's what I did. I barely studied a day. Oh my god, I had mood swings. I was like, ki hoga, nahi hoga. But then when you sit there, the concentration is like, nahi hat sakta. So you'll do it easily. And that is what she says as well. Yeah. A corporate. So I have Zarina ma'am with me. She was also there. Just mere baju mein thi. I would like to ask you, apka exam kaisa tha? Overall, it was good. However, reading was a bit... You were giving academic or what? I was giving academic. Okay, so how many days it took for you to prepare for the IELTS? To be very honest, 3-4 days after three, four days. I came here. Oh my god. So guys, even you can do this. She just got it done in 3-4 days. Great. So how much are you expecting to get? My target is maybe 7-8, but don't know. Okay, so you are going to comment on my channel and tell everyone that sure. Zarina got how many scores. Yeah. Thanks for the bye. How was your IELTS? I have just given the second attempt. Okay. So in my opinion, if I compare the both attempts, then it was better than the first one. Where did you go wrong? Like, kahan pe kam aaye the? Because last attempt when I had given, I got 7 marks. But this time, the whole thing happened with the reading section. But this time, I think I have done nicely. Even I am really bad with reading. I was just praying, God, please, is bar mera focus laga do. But yeah, let's see. It's considerably okay, right? Yeah, for students. It was okay. Yeah. Yeah. So I think he has come up with no preparations at all. But I don't promote this. You should promote 3 or 5 days at least. And how much did you promote? Like, prepare for it. Promote. How did you promote? Just 1 month. Just 7 days and just 4-5 days. Zero days. Hi guys, I'm back to home and I must say कि सब कुछ बहुत smoothly हो गया. अब मैं आपको सीधा अपना result बताऊँगी कि इतना सब experience करके कैसा रहा. आज उन्होंने मुझसे कुछ photo नहीं ली और वो first day पे ही होता है आपका जो finger के initials वगैरह वो करते हैं record. वो सब नहीं था, सीधा हमें waiting room में लेके जाया. मेरी मतलब इतना exam देके ना मेरा वो हो गया है. I just need a break now. तो या सब बहुत स्मूथ था. जब आप एग्ज़ाम देते हो तब एकदम उस पर ही फोकस होता है. टाइम कभी कभी ऐसा लगता है यार एकदम सही दिया, लाइक इतने टाइम में हो जाना चाहिए सब. बहुत सारे बच्चे आए थे, मैंने आपको भी व्लॉग में दिखाया, जिनने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी. तो पता नहीं उनका रिजल्ट का क्या होगा, बट मेरा तो मैं बताऊँगी. सो अब डायरेक्टली आपको मिलती हूँ रिजल्ट के दिन. इनवैलिड कुछ टाइम के लिए इनवैलिड है. इतने पासवर्ड डालती है अलग अलग. क्या डाला था यार मैंने? गाइज आई एम बैक विथ माई रिजल्ट. ये प्रिंट होने गया था, मैंने आपको दिखाया था जब मैं लैपटॉप पे स्क्रोल करी थी. सो आई गॉट अ ओवरऑल बैंड ऑफ 6.5 एंड मैंने आपको अपनी पूरी जर्नी के थ्रू लेके गई. ऑनेस्टली मैं 7 तो कम से कम एक्सपेक्ट करी थी, क्योंकि मैं इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ तो मुझे स्पीकिंग में भी 6.5 एक्सपेक्टेड नहीं था. और अच्छी बात यह कि राइटिंग में मुझे ठीक है 6 आए हैं. एंड जो रीडिंग है मुझे एक रात पहले लिटरली 5.5 आ रहे थे, तो मुझे 6.5 आए हैं. आई एम हैप्पी. मुझे कैनेडा के लिए उतना ही चाहिए जितना मुझे मिला है. सो आई एम हैप्पी बट आई एम नॉट दैट हैप्पी. सो मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास टाइम है, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखाए जहाँ पर स्टूडेंट्स वो लाइक हमने कुछ पढ़ाई नहीं की, उसमें से एक लड़की रिपीट भी दे रही थी. सो मैं तो करके गई थी 7 डेज पढ़ाई, तो उनने नहीं की थी. तो आई एम श्योर कि वो बोलने में बहुत इजी होता है कि हाँ हाँ हमने नहीं की थी, बट उनके रिजल्ट्स इससे भी कम आए होंगे, क्योंकि मेरा इतना प्रैक्टिस करने के बाद, मेरी इंग्लिश पे इतना होल्ड होने के बाद मेरा इतना है. तो मेरा बस इतना कहना है, ज़्यादा वो भी मत समझो कि बहुत हार्ड है, और ये भी नहीं, ग्रांटेड मत लो. अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ाई करके जाओ, और प्लीज़ सोच समझ के अपनी स्ट्रेंथ्स को चूज़ करो. मुझे ऐसा लगता था कि मैं राइटिंग पेन एंड पेपर में ज़्यादा अच्छी थी, मैं उसमें देती तो ज़्यादा अच्छा होता. प्लस स्पीकिंग में भी मैम बहुत ज़्यादा खड़ूस थी, क्योंकि मेरे जो
बाकी क्लासमेट्स हैं उनको 7 आए हैं और मैं उनके सामने वो लोग रिपीट दे रहे थे, तो वो जब मेरे सामने स्पीकिंग करते हैं तो उनको 7 बैंड्स आए थे उनके प्रीवियस एग्जाम्स में. सो मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रही थी. तो प्लीज़ चूज योर स्ट्रेंथ्स. आपकी स्ट्रेंथ पेन एंड पेपर में है कि कंप्यूटर बेस्ड में है, फिर ही किसी की सुन के मत करना. एंड आई वुड से प्लीज़ मेक अ नोट्स फॉर योर सेल्फ एंड एक महीना कम से कम लग के करो और एटलीस्ट 15 डेज, देन यू कैन गेट आराम से 7 और समथिंग. और जो भी आपकी कंट्री की रिक्वायरमेंट है आपको उतना ही करना है, तो थोड़ी बहुत करो और दे दो बस. सो या आई होप यू लाइक दिट. एंड मैंने पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड किया कैसा था और मेरा एंड रिजल्ट क्या है. सो आप सोच समझ के करिए. और ट्रैवल वगैरह भी करने से बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान, और उसमें भी एग्जाम्स में फ़र्क पड़ता है. सो सोच समझ के डिसाइड करिए एंड वर्क हार्ड फॉर दिस. एंड आई एम श्योर कि ये कुछ हेल्प किया होगा आपको. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. और कमेंट में बताना इफ़ यू वॉन्ट मी टू रिकॉर्ड माई प्रोसेस एंड और भी आई से रिलेटेड देना है. अगर मैं 7.5 लाती ना तो मैं गुरु बन जाती इस चैनल पर, बट मैंने 6.5 लाया. बट ऑल दो इफ यू नीड सम हेल्प विथ माई नोट्स एंड हाउ टू मेक दैट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच. बाय अंटिल नेक्स्ट टाइम.